नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बाटा चौक मेट्रो स्टेशन के बारे में बताएंगे। बाटा चौक मेट्रो स्टेशन आपका फरीदाबाद में पड़ता है और यह मेट्रो स्टेशन आपका वॉलेट लाइन ऑफ दिल्ली मेट्रो पर स्थित है। इस मेट्रो स्टेशन की शुरुआत आपकी सितंबर 6, 2015 को हुई थी और दिन भर में कम 15 से 20 हज़ार लोग इस मेट्रो स्टेशन का यूज़ करते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे प्लेटफॉर्म के बारे में। इस मेट्रो स्टेशन पर आपके दो प्लेटफॉर्म हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आपको मेट्रो मिलेगी एस्कॉर्ट मुजेसर की तरफ। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से आपको मेट्रो मिलेगी कश्मीरी गेट की तरफ वाया लाल किला। दोस्तों इस मेट्रो स्टेशन पे पार्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल है, जहां पर अपनी आप कार और बाइक खड़ी कर सकते हैं और जो आपका किराया लगेगा वो स्टैंडर्ड चार्जेस लगेंगे जो आपके दिल्ली मेट्रो की पार्किंग के होते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे एग्जिट गेट के बारे में। गेट नंबर 1 और 2 से जब आप बाहर निकलेंगे तो आप पहुंचेंगे IMT फरीदाबाद की तरफ, एडिल्को मॉल की तरफ, SRS मल्टीप्लेक्स की तरफ, सेक्टर 12 फरीदाबाद की तरफ, प्रसवना सिटी मॉल की तरफ। और गेट नंबर 3 से आप बाहर निकलेंगे तो आप एयरफोर्स स्टेशन फरीदाबाद की तरफ निकलेंगे, रेडिसन होटल की तरफ निकलेंगे, सेक्टर 20 की तरफ निकलेंगे, किशन नगर की तरफ निकलेंगे और विजन स्पेशल स्कूल की तरफ निकलेंगे। दोस्तों इस मेट्रो स्टेशन पे आपकी फैसिलिटी अवेलेबल है, उसमें आपकी स्टेट एजेंट, मेट्रो कार्ड वेंडिंग मशीन और फायर कंट्रोल सिस्टम। दोस्तों बाटा चौक से आपको राजीव चौक पहुँचने में कम से कम 70 मिनट लगेंगे और आपका जो फेयर लगेगा किराया वो आपका 60 रुपये लगेगा। तो आपको मेट्रो पकड़नी है बाटा चौक से और आपको सेंट्रल सेक्रेटरी मेट्रो स्टेशन पे चेंज करनी है। सेंट्रल सेक्रेटरी मेट्रो स्टेशन से आपको फिर मेट्रो पकड़नी है ऑन द येलो लाइन ऑफ दिल्ली मेट्रो और आपको राजीव चौक उतर जाएंगे। जस्ट सेंट्रल सेक्रेटरीट से तीसरा स्टेशन है राजीव चौक आपका येलो लाइन पे। दोस्तों अगर आपको ये हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।